हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा, आईसीटी बच्चों क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ और चैप्टर हमारा चल रहा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो बच्चों, यहाँ पे हमने लिमिट्स का जो पोर्शन था वो भी हमने कम्प्लीट कर दिया है और डेरिवेटिव के लगभग सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स को हम कर चुके हैं, उनको हमने सॉल्व कर दिया है। कुछ मिसलिनियस आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे, देन ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है मिसलिनियस का। यहाँ पे हमें क्या करना है, डेरिवेटिव्स निकालना है किसका, एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है साइन 2x का। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर आपके पास है साइन 2x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव देखिए, यहाँ पे हमें डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना है, इसका प्रथम सिद्धांत से नहीं करना है। ठीक है, प्रथम सिद्धांत आपका लेंथी हो जाता है, जब आपको लिखा जाए कि प्रथम सिद्धांत से आप इसको डेरिवेटिव निकालिए इसका, तभी आप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एफ एक्स बराबर 2 sin 2x। ठीक है, अब साइन 2x का डेरिवेटिव तो आप जानते नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक में एक फंक्शन, एक फॉर्मूला आपको पता है, साइन 2x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 sin x cos x, 2 sin x और cos x। ठीक है, और हमें साइन एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव पता चल गया है, ये हमने प्रथम सिद्धांत से भी कर दिया है, और आपको जो फॉर्मूलों का जो मैंने चार्ट दिया था उससे भी आपने ये लर्न कर लिया होगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस में साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपके पास देखिए यू इंटू वी वाला जो फॉर्मूला है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस फॉर्मूले को आप लिखेंगे और एफ एक्स बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 sin x और cos x। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे आप इसका d, यहां तो आपका क्या आ जाएगा f(x). तो डेरिवेटिव्स जब आप निकालेंगे तो 2 आपका आपका क्या हो जाएगा, चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, d अपॉन dx ऑफ 2 sin x और cos x। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था, जब वेरिएबल्स के साथ आपके कुछ कांस्टेंट नंबर होते हैं तो वो आपके आगे आ जाएंगे, डेरिवेटिव्स के साइन से आप उसको आगे लिख लेंगे। तो यहां पे देखिए, 2 आपका कांस्टेंट है, तो d अपॉन dx ऑफ इसके आगे से आप लिखेंगे 2। ठीक है, और साइन x और cos x। ठीक है, अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि फंक्शन में आपके पास u और v दो है, ये साइन एक्स है और ये कॉस एक्स है। यदि हम इसको यू माने और ये वी माने तो जो आपका प्रोडक्ट रूल था वो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। यू इंटू वी का जो फॉर्मूला होता है उसका जब आप डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, यू का डेरिवेटिव्स कर देते हैं और वी को आप एज इट इज लिख देते हैं, माइनस में प्लस में यू एज इट इज और वी का डेरिवेटिव। ठीक है, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, यू वी आप आगे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके पास यू इंटू वी का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, 2 तो आपको कांस्टेंट है, आगे रहेगा 2 को, तो आप ऐसे ही रखें, वी को पहले लिख लें, वी आपका यहाँ पे क्या है कॉस एक्स, और यू का हमें निकालना है डी अपॉन डी एक्स, अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, प्लस में अब हम वी लिखेंगे, यू लिखेंगे, यू क्या है साइन एक्स और वी क्या है कॉस एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, हमने इस फंक्शन को साइन 2x को इस फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि हमें क्या करना है, देखिए अभी तो हम इसको ऐसे कर रहे हैं फंक्शन में, आगे जब क्लास 12th में आप करेंगे तो वहां आप चेन रूल से इसको सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव्स वहां पे आप चेन रूल से निकालेंगे, तब आप डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, वहां पे आपके पास फॉर्मूला होता है, आप पहले क्या करते हैं फंक्शन को करते हैं और फंक्शन के साथ जो एंगल होता है, अगर एक्स के अलावा वेरिएबल्स के अलावा कुछ और होता है तो अगेन हम उसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, वो आगे की बात है। तो फिलहाल तो हम इसी मेथड से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास 2 cos x साइन एक्स का हो जाएगा cos x, प्लस में यहाँ पे देखिए
कॉस एक्स तो आपके पास साइन एक्स तो ऐसी रहेगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो देखिए इसको आगे लिखेंगे, टू ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स आपका क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ माइनस का साइन है यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस माइनस का क्या आ जाएगा माइनस का साइन, तो माइनस में साइन और दोनों ही साइन है साइन एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स आपके पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो ये इसका आंसर है, इसको कॉपी करें। इसके बाद है जी एक्स आपके पास दूसरा जो इसका दूसरा पार्ट है, जी एक्स बराबर कॉट एक्स दे रखा है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। इसी का सेकंड पार्ट है जी एक्स बराबर कॉट एक्स, ठीक है। अब कॉट एक्स का डेरिवेटिव या तो आपको डायरेक्ट आता हो तो आप कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे लिखेंगे, आप कॉटेक्स का आपके फॉर्मूला है जी एक्स बराबर कॉटेक्स क्या होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स और कॉस एक्स तो सबको याद होता है, ठीक है, इसको करना तो सभी को हमें याद है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या लगा लेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, इसका डिविजन का रूल लगा लेंगे यू अपॉन वी वाला। तो यू अपॉन वी जब आपके पास इस तरह से दो फंक्शन होते हैं यू अपॉन वी में, तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालते हैं, तो यहां आप लिख लेंगे वी स्क्वायर और वी एज इट इज यू डैश माइनस में यू एज इट इज और वी डैश, इसको आप इस तरह से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहां पे हमने कॉस एक्स को यू पुट कर लिया है और साइन एक्स को हमने वी पुट कर लिया है, तो इसको हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, चलिए तो d अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स और जी एक्स का जब हम चलिए लिख लेते हैं इसको भी d अपॉन डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स और इज इक्वल टू, तो यहाँ डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स u v आप एज इट इज लिखेंगे, v आपका साइन एक्स है तो साइन एक्स एज इट इज। अब यहाँ पे इसको आप डैश से भी क्या कर सकते हैं शो कर सकते हैं कि इसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो कॉस एक्स का आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इसको डैश से भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, माइनस में यू आपका एज इट इज रहेगा यानी कि कॉस एक्स और साइन एक्स का हम यहाँ पर क्या कर देंगे डेरिवेटिव निकालेंगे। चलिए तो ये आपके पास क्या आ गया है जी डैश एक्स बराबर साइन एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा, साइन एक्स और कॉस एक्स का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ये आपके पास क्या आ जाता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। माइनस में कॉस एक्स और साइन एक्स का जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो कॉस एक्स आता है, तो कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और यहां भी माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स यहां पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां से मैं माइनस साइन को कॉमन ले लूं, माइनस साइन अंदर आपके पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, हमने क्या किया यहां से माइनस साइन कॉमन ले लिया और नीचे आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, बहुत बार यूज होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप लर्न कर लेंगे ये आपके पास क्या आ जाता है वन आता है,
ठीक है, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान भी आपका वन ही होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका मान क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो माइनस का साइन आप यहाँ पे लगा लेंगे, इज इक्वल टू माइनस में वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जितने भी फॉर्मूलों को आप लगाते हैं उनकी आगे से आप इस तरह से लिखेंगे कि आपका, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपके पास वन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इसकी जगह पे वन कर दिया है। अब एक और फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, अब आपके पास क्या आ गया है, g डैश x बराबर माइनस में वन अपॉन साइन स्क्वायर x। ठीक है, क्योंकि हम क्या जानते हैं, देखिए आपके पास हमने आपको कल क्या कहा था, वन अपॉन साइन x का मान क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर कोसेक x। ठीक है, वन अपॉन साइन x बराबर हो जाता है कोसेक x, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बराबर भी क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये यहां पर हम पुट कर लेंगे और इसको भी आप लिख लेंगे, तो ये वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आपके पास क्या आ रहा है, माइनस साइन तो है ही, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो जी एक्स आपके पास क्या आ गया है, जी डैश एक्स क्या आ गया है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं मिसलेनियस के जो एक्सरसाइज है उसी के एग्जाम्पल है ये। यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल नंबर 22 दे रखा है, एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 फर्स्ट है यहाँ पे, एफ एक्स बराबर ये फंक्शन है आपके पास, x की पावर 5 माइनस में cos x अपॉन में sin x, इसका हमें डेरिवेटिव्स निकालना है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव्स करने के लिए यहाँ पे आपका जो भागफल वाला रूल है वो लगेगा, u अपॉन v वाला। ठीक है, तो फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख लेंगे, u अपॉन v का जब हम डेरिवेटिव्स करते हैं तो v स्क्वायर v एज इट इज u डैश माइनस में u एज इट इज और v डैश। ठीक है, तो यहां पर भी हम इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव, तो यहां पे तो आप लेफ्ट हैंड साइड में f डैश x आ जाएगा, यहां आपके पास v क्या है, साइन स्क्वायर x, और यहां भी हम क्या लिख लेंगे, साइन x, इसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, साइन x d अपॉन dx ऑफ d अपॉन dx ऑफ, या फिर डैश भी लिख सकते हैं इसको, x की पावर 5 माइनस में cos x। ठीक है, और माइनस में क्या आ जाएगा, u आपका इस टाइम एज इट इज लिखेंगे आप पहले, x की पावर 5 माइनस में cos का x एज इट इज और d अपॉन dx ऑफ sin x, d अपॉन dx ऑफ sin x। ठीक है, ये पूरा इसके अपॉन में है, यहाँ इसको बीच में लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स आपका एज इट इज रहेगा, इसका हमने डेरिवेटिव्स निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन एक्स इसका डेरिवेटिव्स करेंगे आप, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 माइनस में कॉस एक्स। ठीक है, तो अलग अलग डेरिवेटिव्स करेंगे, तो पहले इसका क्या आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर 5 माइनस में d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x। ठीक है,
एक्स की पावर 5, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या आ जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी कि 5 एक्स की पावर 5 माइनस वन। और कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो हम जानते हैं क्या हो जाता है, माइनस में साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 एक्स की पावर 4, यहाँ पे आपने पावर लेस कर दी है, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आपका साइन जो है प्लस में साइन एक्स, ठीक है। तो इतना जो हमने डेरिवेटिव निकाला है ये क्या आ गया है, 5 एक्स की पावर 4, ठीक है, 5 एक्स की पावर 4 प्लस में साइन एक्स। तो इसको हम यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास f डैश x बराबर क्या आ जाएगा, 5 x की पावर 4 और प्लस में साइन x, ठीक है। अब माइनस में x की पावर 5 माइनस में cos x, और जब आप साइन x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आपके पास cos x आ जाएगा। इसको मैं रफ कर दूं, अब देखिए अपॉन में आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहां पे देखिए एफ डैश एक्स बराबर 5 एक्स की पावर 4 प्लस में साइन एक्स, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और माइनस साइन भी यहाँ पे आप लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 5 और कॉस एक्स, यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस साइन इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपके पास ये तो हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, इसमें इसके साथ साइन एक्स भी था, इसके साथ साइन एक्स भी था, इस टर्म के साथ। देखिए इस साइन एक्स को हमने हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करके ये लिखा, इसके साथ आपका साइन एक्स भी था, साइन एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। चलिए तो इसको भी आप यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, इसमें साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं दोबारा कर दूं, ठीक है। अब इस साइन एक्स की पहले मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 एक्स की पावर 4 और साइन एक्स, साइन एक्स भी था यहाँ पे, साइन एक्स और इसका हमने डेरिवेटिव निकाल के ये लिखा है। तो अब यहाँ इस साइन एक्स के साथ हुई, इस साइन एक्स के साथ तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस में कॉस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में माइनस की भी, तो कॉस एक्स माइनस माइनस का प्लस होगा और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहां से एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर इन टर्म्स को हम एक तरफ वन साइड लिखेंगे, तो 5 एक्स की पावर 4 साइन एक्स और माइनस में एक्स की पावर 5 कॉस एक्स, प्लस में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अभी अभी हमने यही पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे आप बगल में लिख भी लेंगे कि ये आपका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लेंगे, तो यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स बराबर, एफ डैश एक्स बराबर 5 एक्स की पावर 4 साइन एक्स माइनस में एक्स की पावर 5
कॉस एक्स और प्लस में वन लिख लेंगे अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में टेन एक्स, सेकेंड पार्ट है इसी का एक्स प्लस कॉस एक्स और अपॉन में टेन एक्स। तो यहां हम इसको सॉल्व करेंगे एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस कॉस एक्स और अपॉन में टेन एक्स। तो अब इसमें आप इसका भागफल का रूल लगाएंगे, अब तो सबको आ गया होगा। तो देखिए डिनोमीटर में टेन स्क्वायर एक्स कर देंगे, ठीक है, वी स्क्वायर वी आप एज इट इज लिखेंगे यानी कि टेन एक्स आप एज इट इज लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस में आपके पास क्या आ जाता है एक्स प्लस कॉस एक्स यू एज इट इज और v का हम क्या करते हैं डेरिवेटिव्स करते हैं, तो d अपॉन dx ऑफ 10x, ठीक है, 10x का हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे। अपॉन में v स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर x। तो यहाँ पे u आपका x प्लस cos x है और v आपके पास है 10x। तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है, हमने इस पर भागफल का जो रूल है वो लगाया है। पहले हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर कर देते हैं यानी 10 स्क्वायर हमने कर दिया है, इसके बाद v एज इट इज u का हम क्या करते हैं डेरिवेटिव निकालते हैं। तो d अपॉन dx ऑफ u हम करेंगे, माइनस में आपका यू एज इट इज रहेगा, इसके बाद हमने करना है वी का डेरिवेटिव, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपको लर्न होगा, यहां पर आप लिख सकते हैं कि आपने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया है यू अपॉन वी का फॉर्मूला और इसका डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं तो वी स्क्वायर वी यू डैश माइनस में यू और वी डैश, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 10x d अपॉन dx ऑफ x प्लस cos x d अपॉन dx ऑफ x प्लस cos x, तो अलग अलग डेरिवेटिव्स करेंगे, यहाँ पे d अपॉन dx ऑफ x प्लस में, क्योंकि जब दो फंक्शन में आपके पास दो होते हैं, देखिए यहाँ पे ये fx है और ये gx है, तो हम क्या करते हैं अलग अलग फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो d अपॉन dx ऑफ cos x, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्यों होगा, देखिए x की पावर 1 है और 1 x की पावर 1 माइनस 1 n माइनस n लिखते हैं 1 लिखते हैं और यहाँ पे cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, ठीक है, x की पावर 0 इसका मतलब 1 हो जाता है 1 माइनस sin x, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया है 1 माइनस साइन एक्स। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 10x 1 माइनस साइन एक्स, इसको मैं रफ कर दूं, टेन एक्स इसकी जगह पर लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस में एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स और टेन एक्स का आपने निकाला था और फॉर्मूले का जो चार्ट था वो भी हमने आपको दिया है, टेन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन में आपके पास क्या है टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यही इसका फॉर्मूला, यही इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप अरेंज करके आगे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स और टेन एक्स माइनस में एक्स प्लस कॉस एक्स और सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में आपके पास क्या है टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है।
तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव हम करेंगे। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल थे जिनको हमने डायरेक्ट क्या किया है, इनका डेरिवेटिव निकाला है डिफरेंशिएशन करने के बाद। ठीक है, कुछ बच्चों को डाउट होता है डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है। डेरिवेटिव क्या होता है, जब आप किसी फंक्शन का, ठीक है, किसी फंक्शन का, जैसे एफ एक्स बराबर, यहां आपके पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कोई फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन में हमें क्या करना है, इस एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो मैं डेरिवेटिव निकालूंगी x की पावर d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहां मैं लगा लूंगी x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो यहां मुझे मिलेगा f डैश x इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 2x। ठीक है, अब सवाल क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है। तो देखिए, x इस एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स है। ठीक है, जो आपको आंसर मिलता है उसको डेरिवेटिव कहा जाता है, और जिस जो आप प्रोसेस करते हैं इस डेरिवेटिव निकालने के लिए उसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जो प्रोसेस आप कर रहे हैं ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है। ठीक है, और जो आपने निकाला ये आपका डेरिवेटिव निकलता है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, बट आप जो प्रोसेस करते हैं वो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस करते हैं। यही काम जब आप आगे इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे तो वहां पर भी यही होता है। ठीक है, अब कुछ आपके एग्जांपल्स हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के, इनको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को। तो यहाँ पे देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज है आपके चैप्टर नंबर 12 का, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल से इन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमसे कैसे निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का हमारे पास पहले तो फॉर्मूला हो जाता है एफ एक्स, देखिए पहला क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस में एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें यहाँ एफ एक्स गिवन है, हमें निकालना है एफ एक्स प्लस एच, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, देखिए एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है माइनस में एक्स। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, माइनस में जहां आपके पास एक्स है वहां आप लिखेंगे एक्स प्लस एच। ठीक है, तो इसको आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में, तो एफ डैश एक्स बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो f ऑफ x की जगह पर हम रखेंगे माइनस में x प्लस एच। ठीक है, माइनस साइन, और यहां पर एफ एक्स का मान भी क्या है, माइनस का x है, तो माइनस का x रख देंगे अपॉन में h। इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस x माइनस h और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा x अपॉन h। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो और माइनस h अपॉन h, h से h कट गया है, आंसर कितना आ गया है, माइनस वन। जब यहाँ h ही नहीं रहा तो लिमिट हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो माइनस वन इसका आंसर आ गया। इसको आप कॉपी करेंगे, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, इसको भी हमें प्रथम सिद्धांत से फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव्स करना है, इसका डेरिवेटिव्स निकालना है। तो देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, माइनस एक्स की पावर माइनस वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, फंक्शन आपके पास क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर माइनस एक्स की पावर माइनस में वन। ठीक है, अब देखिए यहां पे माइनस वन पावर,
किसी भी फंक्शन का, देखिए x की पावर अगर माइनस वन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एक्स की पावर वन, या फिर आपके पास ऐसा लिखा है x की पावर टू तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर माइनस टू, यानी कि जब पावर आपकी ऊपर जाती है तो माइनस साइन देगा, नीचे आएगी तो वो माइनस आपका हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, देखिए ये नेगेटिव आपको दिक्कत करेगी तो इसलिए हम यहाँ पे फंक्शन को ही हम क्या लिख देंगे, माइनस एक्स की, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने के लिए एफ डैश एक्स बराबर आपके पास आ जाता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस में एफ एक्स अपॉन एच, ये इक्वेशन नंबर वन हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू माइनस में जहां x है वहां पर हम रखेंगे x प्लस एच, ठीक है। इक्वेशन नंबर टू में पुट कीजिए दोनों को, इक्वेशन नंबर वन में तो f डैश x बराबर क्या आ जाएगा, f ऑफ x क्या है, माइनस में वन अपॉन x प्लस एच और माइनस में वन अपॉन, ये भी माइनस का है और आगे आपका ये भी माइनस वन का है, तो चलिए माइनस में वन अपॉन x और अपॉन में h, यहां पे लिमिट हम लिखना भूल गए, लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस में वन अपॉन x प्लस h आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और वन अपॉन x हो जाएगा और अपॉन में h आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एफ डैश एक्स बराबर आपके पास क्या आ गया है, ये आ गया, ठीक है। एलसीएम लेंगे, इस एक्स को हम ऊपर ला सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एच में इसको लिख लू या फिर एच लिख लू यहाँ पे, और जब आप इसको कॉमन लेंगे तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा और ये इधर जाएगा प्लस में एक्स प्लस एच अपॉन में एक्स और एक्स प्लस एच, ठीक है। अब यहां पे देखिए इस एक्स से ये एक्स कट गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहां से देखिए आपके पास क्या बचा है, यहां वन अपॉन एच, इस एच को अब आगे अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर आपके पास सिर्फ एच बचा और अंदर देखिए एच इंटू एक्स और यहां भी एक्स प्लस एच, ठीक है। इस एच से ये एच कट जाएगा और लिमिट एच टेंस टू जीरो यहां पे वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इस x की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में x और h, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, जहां जहां h है वहां हमें जीरो पुट करना है, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में जीरो x मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या आ गया है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है साइन एक्स प्लस एच, तो यहां पर भी हमने इसको प्रथम सिद्धांत से ही इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हमें क्या करना है, एफ एक्स हमें दे रखा है, एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स प्लस एच, साइन एक्स प्लस एच वन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच हम निकाल लेंगे यहां से, तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच प्लस वन, ठीक है। तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल में इसका मान रखना है एफ डैश एक्स में, लिमिट रखेंगे और जहां पे आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच है उस यहां पर साइन एक्स प्लस एच प्लस वन रखेंगे और जहां एफ एक्स है वहां रखना है साइन एक्स प्लस एच, ठीक है। इसको आप कर लेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कॉस एक्स माइनस पाई बाई एट,
ठीक है, तो जहां x है वहां पे हमें x प्लस एच रखना है जब आप f ऑफ x प्लस एच निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आप इसको भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं आपकी क्लास में, वो सारे आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं, ठीक है, विविध प्रश्नावलियों के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, देन नेक्स्ट चैप्टर पर हम मूव करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।